जोहार, मैं निशा द्विवेदी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ हूं जिनके बारे में कहना जो कहूं वो कम होगा। एक ऐसे खास व्यक्ति मेरे साथ हैं, नंद कुमार बघेल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इनके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे विषयों में ये इतने निपुण हैं कि मैं इनसे क्या चर्चा करूँ, आज मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। सर, आज हम राजनीति से शुरू करते हैं। राजनीति में आपको कई दशक हो गए, आज के युवा जो हैं वो राजनीति में आना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप राजनीति में? राजनीति में आने के लिए एक सोच चाहिए और वो सोच है जन कल्याण की भावना। जी। जो जन कल्याण की भावना नहीं रखेगा वो राजनीति में टिक नहीं पाएगा। जी। जैसे रमन सिंह एंड कंपनी, ये पूरे यहाँ के लोगों को लूटकर हिंदुत्व के नाम में वोट लेना और यहाँ का शोषण करना, ये एक मुख्य बात है। जैसे मैंने कहा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कल के अखबार में छपा है कि नरेंद्र मोदी यदि तेली है और उसके जो दो सांसद छत्तीसगढ़ के तेली हैं तो वहाँ के कुलपति तेली को बनाया जाए, और यदि नरेंद्र मोदी केवल कहने के लिए तेली हैं तो फिर वो पर्दाफाश होगा। और इसका भाजपा ने कोई उत्तर नहीं दिया है। दूसरा ये है कि जो युवक लोग राजनीति में आना चाहते हैं तो पहले तो ये हमसे संपर्क करें और राजनीति क्या होती है उसको समझें, क्यों कि मैं अनसर्टिफाइड राजनेता हूँ। अनसर्टिफाइड मतलब ये है कि 1980 में भूपेश नहीं पढ़ा, साइंस कॉलेज में हड़ताल हो गई और साइंस कॉलेज में दोनों तरफ, उधर रेलवे की तरफ इधर आज़ाद चौक की तरफ भीड़ लगी थी ट्रक और बस की, और उसे सब कांच टूटे हुए थे। तो उस समय कलेक्टर आए और पूछा इसको किसने जाम किया है, भूपेश बोला कि मैंने किया है। क्यों किए हो? तो वो बोला कि भाई हॉस्टल में जाकर एक घंटा भी रहिए, वहाँ टट्टी पेशाब सब है और कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं है और हमारा जीना मुश्किल हो गया है। तो कलेक्टर ने कहा कि भाई छोड़ दो जाम और कल ठीक हो जाएगा, और ठीक हो गया। तो वो नेता बन गया, ब्राह्मण पारक लड़के तो उसको नेता बनाया। जी। तो मेरा मतलब यह है कि जुनून जब तक के नहीं हो। जी। और उसको, उसकी जो बहनें हैं इंजीनियर बनी जी, तो मैंने कहा कि तुमने मैं रेत में आग लगा दिया है, तुम्हारे बहनें इंजीनियर हैं और तुम साइंस ग्रेजुएट नहीं बने, तो मुख्यमंत्री बन के दिखाओ। जी। ऐसा करके मैंने उसको कहा, तो वो 38 साल तक के लगातार कोशिश किया। क्या कभी आपको उनका जुनून देख के कभी गुस्सा नहीं आया? अक्सर ये होता है कि जब बच्चे घर में, माता पिता जब किसी चीज़ को लेकर वो जुनून दिखाने लगते हैं तो कभी कभी माता पिता ऐसे होते हैं थोड़े उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। राइट। इसमें मेरा ये कहना है कि मेरा शुरू से आदत बौद्धिस्ट का है। जी। बुद्ध का कहना है कि मैं कहता हूँ उसे मत मानो, परंपरा कहती है उसे मत मानो, वेद शास्त्र कहता है उसे मत मानो, तुम्हारा विवेक जो कहता है उसे मानो। तो मैंने अपने बच्चों को ये शिक्षा दिया, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये शिक्षा दिया कि मैं कहूँ उसे चिंतन करो, मनन करो, लेकिन उसको फाइनल मत मानो, अपने दिमाग से मानो। इसका लाभ ये हुआ कि मेरे बच्चे सभी, मैं मरूँगा तो मुझे चिंता नहीं होगी कि वो क्या करेंगे। जी। लेकिन दुख ये इस बात की है कि मेरे कोई आज्ञाकारी नहीं है। जी। सर, आगे कांग्रेस की अब सरकार आ गई है, कांग्रेस सरकार ने काफ़ी सारी रणनीति तैयार करके रखी थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये मुहिम लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें हम वादे करके आए थे, तो अभी वो पूरे भी हो रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस और किस तरह से आगे बढ़ेगी? आने वाले समय में राहुल गांधी ने कहा है कि हर विधानसभा में एग्रीकल्चर प्रोसेस जी लगाएंगे और उससे हम टमाटर, दूध, आलू की चिप्स मध्य एशिया में भेजेंगे जी, और उससे हमारी जो मुद्रा की समस्या है, पेट्रोलियम की समस्या है, वो दूर होगी और किसानों को आज से 4-5 गुना मूल्य मिलेगा और किसानों की हालत सुधरेगी। ये राहुल गांधी का सपना है। अब
थोड़ा सा मैं विषय को चेंज करती हूँ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कला और संस्कृति में आपकी काफ़ी ज़्यादा रुचि भी है, बहुत सारा ज्ञान भी है। आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह कला और संस्कृति को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जो फिल्में बन रही हैं उनको मान सम्मान के साथ टॉकीज़ों में लगाया जा रहा है, मल्टीप्लेक्स में लगाया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? यदि लगाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि संस्कृति जी को अपनी सीमा जानना चाहिए जी, क्योंकि आज ये होता है कि एक चिड़िया है, चिड़िया और नर चिड़िया और मादा चिड़िया जी दोनों घोंसले में अंडा देते हैं और अंडा देने के बाद वो जब फूटता है अंडा जी, तो दोनों मिलके उसको खाना खिलाते हैं जी, और खाना खिला करके उसको बड़ा करते हैं। उसका पंख जैसे बड़ा हुआ, उड़ना सीखा, तो वो अपने माता पिता को छोड़ करके अपने पति के यहाँ चले जाती है जी। ये नेचर है, ये स्वाभाविक है, जो मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के ये तो सारा संसार छोड़ के मैं तेरे लिए आई हूँ, ये लड़की कहती है। और उसको वो प्रकृति है, वो बट नेचुरल है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब एक औरत का दुर्ग में ऑपरेशन हुआ जी। तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा कोई संतान नहीं हो सकता, तो और वो लड़की पैदा करना चाहती थी और वो इसी बात पर फांसी लगा के मर गई। कोई पुरुष नहीं मरता है, संतान नहीं हुआ करके पुरुष नहीं मरता है, लेकिन स्त्री तड़प जाती है। तो इसका जो दुष्परिणाम हो रहा है ये है कि आज लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, लड़कों के साथ खुला घूमती हैं और उसके बाद सेक्सुअल मामले में लड़की फिसल जाती है जी। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि तलाक होता है जी। और तलाक के बाद सारे जो लड़की जो है उसके संतान की जिम्मेदारी केवल लड़की पर आती है और उसमें वो फंस जाती है जी। क्योंकि बच्चे का प्रेम को वो अवॉइड नहीं कर सकती जी। उसके लिए सब दुख सहने के लिए तैयार है जी। वो गर्भवती होगी तो तकलीफ और दूसरे जो वो तकलीफ। सर आपका एक जी इस पर फिल्म आना चाहिए जी। इस पर फिल्म बने और समाज रचना कैसे हो हाँ। क्योंकि ये लव मैरिज से समाज रचना नहीं होगा जी, और अरेंज मैरिज से ही होगा। तो इस पर लड़कियों को एजुकेट करने की आवश्यकता है कि जब पहले आरंभ में गाय बछड़ा जो है अपनी माँ को जानती थी, अपने बाप का पता नहीं। ऐसे ही जब शिकार काल था तो उस समय भी अपने बच्चा जो है वो अपनी माँ को जानते थे जी। वो बच्चा का पालन पोषण माँ ही की जिम्मेदारी थी और अपने बाप को नहीं जानता था जी। बाद में ये विवाह का जो प्रथा हुआ कि पुरुष भी जिम्मेदार है संतान उत्पत्ति के लिए और वो भी उसके लिए भागीदार है और केवल लड़की भागीदार नहीं है जी। इसलिए सामाजिक व्यवस्था हुई और मेरा ये कहना है कि आपके फिल्म में ये आदर्श प्रस्तुत होना चाहिए जी। आदर्श से गढ़ित होनी चाहिए, सिर्फ लड़कियां ही जिम्मेदार नहीं है हाँ। लड़के भी उतने ही जिम्मेदार हैं हाँ जी, जी। बड़ी बेबाकी से आप अपनी बातों को रखते हैं, मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छी बातें कहते हैं, सटीक उत्तर देते हैं। आज मैंने देख भी लिया कि नंद कुमार बघेल जी जो अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के पिताजी हैं, इतनी बेबाकी से वे उत्तर देते हैं, इतनी बेबाकी से उनके पुत्र काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही स्वस्थ और व्यस्त रहें और हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।